हाय, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे चूड़ीदार। चूड़ीदार का कपड़ा हम लंबाई भाग में ले लिए हैं। हमको किनारे से आधा आधा इंची में सिलाई करना है। पहले हमको सिलाई करना है, बाद में हम ड्राइंग करके कटिंग करेंगे। आधा आधा इंच में हम सिलाई कर लेंगे बाजू बाजू से। ये हम सिलाई कर लिए हैं। अब हमें सेंटर से 12 इंच में लेना है। 12 इंच में लेके हमें वहीं से सिलाई करना है। यहाँ से हमको ये सीधा फिर से सिलाई करना है। सिलाई कर लेते हैं। ये हम सिलाई कर लिए। अब वो बैग बन गया है हमारा एक। हमें अब इस नोक से इस नोक तक कटिंग कर लेना है। ये हम कटिंग कर लेते हैं। हमें दूसरे भाग को भी इसी तरह से कटिंग करना है कि इस नोक से उस नोक तक कटिंग करना है। अब देखिए कि कैसे बिछा रही हूँ मैं इसको। ये सब पकड़ के तो बिछा लिए। और हम अब ड्राइंग करेंगे। कमर के लिए हम लेंगे 11 इंच में, नीचे हम 14 इंच में लेंगे, बाजू से भी हम 14 इंच लेंगे और 1 इंच गोल करने के लिए लेंगे। इसे गोल करके ड्राइंग कर लेंगे। और हम पैंचा के लिए क्या करेंगे कि 5 में, 6 में, 7 में ऐसा करते करते पूरा बढ़ा के हम अपना नाप ले लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। देख लीजिए हेल्दी हैं जैसे भी हैं, उसको इंच में नाप के ले लीजिए। तो कटिंग कर लेते हैं हम पहला भाग और दूसरा भाग को उसको ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दूसरा भाग को हम उसको ऊपर रख के कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा कटिंग हो गया है। चलिए सिलाई कर लेते हैं। पहले हम नीचे का पैंचा मोड़ लेते हैं 1 इंच में। दोनों पैंचा मोड़ लेंगे। अब हम आसन वाला भाग को सिलाई कर लेते हैं। आसन जोड़ लेते हैं। एक तरफ का आसन हम जोड़ लिए हैं। अब हम नाड़ा पट्टी सिलाई कर लेते हैं। एक बार मोड़ लिए हैं नाड़ा के लिए, फिर अब सीधा सिलाई कर लेंगे 1 इंच में। अब हम दूसरा आसन भी जोड़ लेते हैं। अब मोहरी को लेके हम दूसरे मोहरी तक सिलाई कर लेते हैं। आधा आधा इंच में सिलाई कर लेंगे। ये हमें बिल्कुल हल्के हाथों से सीधा सीधा सिलाई करना है, खींचना नहीं है। सेंटर बीच में आना चाहिए। ये हमारा सिलाई हो चुकी है। ये देखिए हमारा चूड़ीदार तैयार है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।